आज यहाँ मेरे पास दो बहुत ही इंटरेस्टिंग अकूस्टिक गिटार्स हैं। लुक वाइज अगर आप देखोगे तो आपको एक बहुत ही यूनिक लुक देखने को मिलती है, बहुत ही बढ़िया लुक है इन गिटार्स की। लेकिन यहाँ खास बात यह है कि ये दोनों गिटार्स आते हैं एक सॉलिड स्प्रूस टॉप के साथ, और इससे भी बढ़िया बात है कि ये दोनों गिटार्स आपको जो है अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में मिल जाते हैं। तो आज यहाँ पे बात करेंगे स्को के दो प्रीमियम अफोर्डेबल अकूस्टिक गिटार्स के बारे में। यहाँ पे मेरे पास स्को का S340 और यहाँ है मेरे पास स्को का PFZL। तो कुछ टाइम पहले मैंने स्को की मेगा अनबॉक्सिंग की थी जिसमें ये गिटार्स दिखाए थे, और यहाँ पे दोनों गिटार्स मेरे को बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे। स्पेशली जो S340 है, जब मैंने इसको अनबॉक्स किया था आई वॉज रियली सरप्राइज, क्योंकि इसकी जो लुक है बहुत ही यूनिक है। और यहाँ पे जो PFZL है, ऑल्दो इसकी जो लुक है काफी स्टैंडर्ड है, लेकिन यह फ्रेटबोर्ड पे आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल इनले डिजाइन देखने को मिल जाता है, जो कि आपको काफी कम गिटार्स में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे स्पेक्स की बात करें तो ये दोनों गिटार्स आपको ग्रैंड ऑडिटोरियम बॉडी डिजाइन में देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ पे S340 से स्टार्ट करें तो इसमें आपको दो कलर ऑप्शन मिलते हैं, एक तो ये सनबर्स्ट, इसके अलावा आपको एक काफी यूनिक ब्लू कलर का ऑप्शन भी देखने को मिलता है इसमें। इसके अलावा जो PFZL है इसमें आपको ये सनबर्स्ट कलर का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ आपको एक नेचुरल फिनिश का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। कलर ऑप्शन के अलावा यहाँ पे फिनिश की बात करें तो जो S340 है ये फुल ग्लॉस फिनिश में आता है, लेकिन जो PFZL है इसमें जो बॉडी है वो फुल ग्लॉस फिनिश है, लेकिन नेक आपको एक मैट सैटिन फिनिश में देखने को मिलता है। और अब यहाँ पे बात करें टोन वुड्स की, तो इन दोनों गिटार्स में आपको आइडेंटिकल टोन वुड्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो PFZL है इसमें आपको मिल जाता है सॉलिड स्प्रूस टॉप विद लैमिनेटेड महोगनी बैक एंड साइड्स। सेम आपको S340 में देखने को मिल जाता है सॉलिड स्प्रूस टॉप विद लैमिनेटेड महोगनी बैक एंड साइड्स। इसके अलावा लुक्स में जो S340 है इसमें आपको एक क्रीम और ब्लैक बाइंडिंग देखने को मिल जाती है, वहीं जो PFZL है इसमें आपको जो है मेपल की बाइंडिंग देखने को मिलती है, और साथ में जो एक पतली सी ब्लैक बाइंडिंग देखने को मिलती है, जो कि ओवरऑल भाई काफी एक प्रीमियम लुक देती है। इसके अलावा नेक पे S340 के आपको क्रीम बाइंडिंग मिलती है, और जो PFZL है उसमें आपको ब्लैक बाइंडिंग मिलती है। तो यहाँ ये थोड़े थोड़े छोटे छोटे डिफरेंसेज हैं इन दोनों में, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जो वुड्स हैं वो दोनों गिटार में सेम तरीके की यूज हुई है। इसके अलावा बात करें नेक की, तो दोनों गिटार्स में आपको नेटो वुड का नेक देखने को मिल जाता है। और यहाँ बात करें नेक प्रोफाइल की, तो आपको दोनों में काफी कंफर्टेबल सी शेप नेक प्रोफाइल देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे बात करें फ्रेटबोर्ड और ब्रिज की, तो इन दोनों गिटार्स में आपको HPL का फ्रेटबोर्ड मिलता है और रोजवुड का ब्रिज मिलता है। तो एक बड़ा यूनिक कॉम्बिनेशन देखा मैंने इन दोनों गिटार्स में। और ये जो HPL फ्रेटबोर्ड है इसकी जो लुक है, जो फील है, एकदम सिमिलर है एक रिच लाइट फ्रेटबोर्ड जैसी, तो आपको ओवरऑल अच्छा प्लेइंग एक्सपीरियंस मिलेगा। अब यहाँ पे आपको S340 में तो स्टैंडर्ड डॉट इनलेस मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो PFZL है इसमें आपको काफी बढ़िया इनले वर्क मिलता है। और इनले वर्क को आप ध्यान से देखो तो यहाँ फ्रेटबोर्ड से एक डिजाइन आ रहा है जो कि रोजेट को ज्वाइन कर रहा है, तो बेसिकली एक जिसे रिवर होती है उसको डिपिक्ट कर रहा हो। बहुत ही यूनिक और बहुत ही बढ़िया लगा मुझे इसका इनले। तो यहाँ पे फ्रेटबोर्ड पे जो ओवरऑल डिजाइनिंग हुई है इसमें जो है इनले वुड यूज हुई है, साथ में शेल यूज हुआ है, तो आपको जो है एक बहुत ही खूबसूरत इनले वर्क देखने को मिल जाता है PFZL में। दोनों ही गिटार्स में आपको जो है काफी अच्छा फ्रेटवर्क देखने को मिल जाता है। यहाँ बात करें सैडल और नट की, तो यहाँ जो PFZL है इसमें आपको बो नट और सैडल देखने को मिल जाता है, और जो S340 है इसमें आपको प्लास्टिक का सैडल और नट देखने को मिल जाता है। और यहाँ हार्डवेयर की बात करें तो जो S340 है इसमें आपको जो है ब्लैक क्रोम डाइकास्ट ट्यूनिंग कीज मिलती है, वहीं जो PFZL है इसमें आपको जो है निकल ओपन बैक गियर ट्यूनिंग कीज देखने को मिलती है, जो कि भाई काफी एक वो विंटेज वाली वाइब ऐड करती है इस गिटार में। एंड पर्सनली मेरे को ये ओपन बैक गियर ट्यूनिंग कीज जो है बहुत बढ़िया लगती हैं। ये दोनों गिटार जो हैं प्लेन अकूस्टिक गिटार्स हैं, इनमें आपको फैक्ट्री फिटेड पिकअप नहीं मिलती, लेकिन आप अगर ये गिटार्स प्रोक्राफ्ट की वेबसाइट से लेते तो उनके पास काफी वैरायटी है पिकअप्स की, जिसमें आपको पीजो पिकअप मिल जाती है, ब्लेंड पिकअप मिल जाती है, इसके अलावा इवन ट्रांस अकूस्टिक पिकअप्स मिल जाती हैं। तो आप एक बंडल क्रिएट कर सकते हैं कि आपने इनमें से कोई भी गिटार चूज किया, इसके अलावा जो भी पिकअप आपको पसंद आई है आप वो चूज करिए, तो वो जो आपने पिकअप चूज किया उसको इंस्टॉल करके भेजेंगे एंड राइट आउट ऑफ द बॉक्स आपको जो है अपनी पसंद का एक बहुत बढ़िया इलेक्ट्रो अकूस्टिक गिटार मिल जाएगा। अब बात करें प्राइस की, तो S340 करंटली आपको मिल जाता है 13,500 का, और जो PFZL है ये करंटली आपको मिल जाता है अराउंड 16,000 रुपीज़ का। इन पे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो जो बेस्ट बाय लिंक और डिस्काउंट कोड है वो आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में। चलिए अब इन दोनों गिटार्स का साउंड चेक कर लेते हैं। Thank you.
तो साउंड वाइज मेरे को ये दोनों गिटार्स काफी अच्छे लगे। अब यहाँ पे एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज है कि ये दोनों गिटार्स में ऑल्दो आइडेंटिकल स्पेक्स है, लेकिन यहाँ टोन वाइज आपको जो है एक डिफरेंस सुनने को मिलेगा। जो स्को का S340 है इसमें आपको एक ब्राइट टोन सुनने को मिलती है और यह मिड्स जो है इस गिटार में वो प्रोनाउंस्ड है। वहीं जो स्को का PFZL है इसमें जो है आपको काफी अच्छी वार्म टोन सुनने को मिलती है और यहाँ पे मिड्स कूब्ड है। इस गिटार में जो लोज और हाइज है वो क्लियर आपको सुनाई देते हैं, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया जो मिड्स है वो स्कूब्ड है। तो दोनों गिटार्स अपनी जगह अच्छे हैं, बस ये एक पर्सनल चॉइस हो जाती है कि किस तरीके की टोन आपको ज्यादा अच्छी लगी। पर्सनली मेरे को जैसे ये जो PFZL है ये काफी अच्छा लगा फिंगर स्टाइल प्लेइंग के लिए। यहाँ पे मतलब जो इसका लो एंड था बॉडी शेप के हिसाब से वो मेरे को अच्छा लगा, और यहाँ पे मेरे को S340 भी अच्छा लगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेरा इंक्लिनेशन PFZL की तरफ है। बाकी आप लोग कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको जो है इन दोनों गिटार्स में से किसकी साउंड सबसे ज्यादा अच्छी लगी। अब यहाँ पे बात करें प्रोज एंड कॉन्स की, सबसे पहले प्रोज के साथ स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ ये दोनों गिटार्स में आपको भाई काफी बढ़िया लुक मिलती है, इसके अलावा काफी बढ़िया स्पेक्स मिलते हैं और यहाँ पे ये सब चीजें आपको काफी अच्छे प्राइस पॉइंट में मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे इन दोनों गिटार्स में आपको अच्छी साउंड भी मिलती है और ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी कि यहाँ इन दोनों गिटार्स में आपको एक जो है टोनल डिफरेंस सुनने को मिलता है, मतलब एकदम ऐसे आइडेंटिकल टोन नहीं है। इसके अलावा सेटअप की बात करें तो यहाँ राइट आउट ऑफ द बॉक्स इन गिटार्स का जो सेटअप है काफी बढ़िया था और इन गिटार्स को टेस्ट करते हुए मेरे को जो है काफी टाइम हो गया, तो यहाँ इन गिटार्स में मेरे को कोई भी ऐसा इशू नहीं दिखा। ये गिटार्स जिस प्राइस पे ऑफर हो रहे हैं उस प्राइस पे काफी अच्छे हैं। और यहाँ कॉन्स की बात करें तो कॉन्स एज सच कुछ नहीं है, बस मेन यही चीज है कि ये जैसे दोनों गिटार्स में आपको सॉलिड स्प्रूस टॉप मिलता है, तो जो सॉलिड वुड वाले गिटार्स होते हैं, चाहे खाली सॉलिड स्प्रूस टॉप हो या ऑल सॉलिड वुड बॉडी वाले गिटार्स हो, इनमें आपको जो है कुछ लेवल की मेंटेनेंस करनी पड़ती है। बेसिकली आपको ध्यान रखना पड़ता है कि अराउंड 45-55% की ह्यूमिडिटी लेवल में ही जो है गिटार्स रहे, और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन एक्सट्रीम ह्यूमिडिटी या एक्सट्रीम चेंज इन टेम्परेचर में जो है ये गिटार्स रिएक्ट कर सकते हैं। जो टॉप है वही वो क्रैक भी हो सकता है अगर कम ह्यूमिडिटी है, और अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो टॉप जो है बल्ज आउट हो जाता है। तो ये बेसिक कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, और ये चीज़ें मैं पहले भी बता चुका हूँ क्योंकि कई मैंने ऐसी वीडियोज़ की है जिसमें मैंने सॉलिड टॉप विद लैमिनेटेड बैक एंड साइड्स एंड फुल सॉलिड बॉडी गिटार्स जो है फीचर किए इस चैनल पे। तो बस मेन यही चीज़ का आपको ध्यान रखना है, लेकिन येस दीज गिटार्स आर रियली ग्रेट। तो 13,500 में ये S340 और 16,000 में ये PFZL दोनों ही जो है काफ़ी वैल्यू फॉर मनी गिटार्स हैं, और आप जो है भाई अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसाइड कर सकते हो आपको ओवरऑल भाई कौन सा गिटार ज़्यादा सूट कर रहा है। आई नो कई लोगों को ये PFZL बहुत पसंद आएगा क्योंकि इसमें जो इनले वर्क है बहुत ही यूनिक और बहुत बढ़िया है, और ओवरऑल जो स्पेक्स है वो एकदम काफ़ी बढ़िया है इस प्राइस रेंज में। इसके अलावा भाई जिसका बेयर मिनिमम बजट है कि भाई हमें एक सॉलिड स्प्रूस टॉप वाला गिटार चाहिए, तो वो जो है S340 के साथ जा सकते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा आपको इन दोनों में से कौन सा गिटार सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। अगर आज की वीडियो आपको यूजफुल लगी हो तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आपने चैनल को अब तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर कर दीजिए, साथ ही साथ उस बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पर, जिसके लिंक मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय।